वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आधारित जो भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें एएनएम के लिए पहले विज्ञप्ति निकाला गया था, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है 11 जून को। आज 14 जून 2024 को जीएनएम स्टाफ नर्स जीएनएम संविदा पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा, जिसका एग्ज़ाम 3 फरवरी 2024 को लिया गया था, उसका रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है। तो आपको लिए चलते हैं उस रिजल्ट की तरफ। आप लोग चाहें तो rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें। विजिट करने के बाद आप लोग आ जाएं लेटेस्ट न्यूज़ में। लेटेस्ट न्यूज़ में आने के बाद आप लोग जीएनएम 2023 रोल नंबर लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमने पहले से आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो विज्ञप्ति निकाला है, जिसका रिजल्ट निकाला गया है अभी, जिसमें पात्रता जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु परिणाम जारी किया गया है 14 जून 2024 को। बोर्ड द्वारा राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए संविदा नर्स जीएनएम के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के 2118 एवं टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र के 220 यानी कि कुल 2338 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई थी। उक्त पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद है तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह पद केवल एक वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक ही होंगे। भर्ती हेतु जो संबंधित विभाग है उनसे अर्थना प्राप्त होने पर विज्ञापन जो निकाला गया था 6/7/2023 को, और इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उसके बाद इसकी जो परीक्षा है रिटर्न एग्ज़ाम वो 3 फरवरी 2024 को लिया गया था। इसी क्रम में उक्त पदों के हेतु नीचे अंकित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ये सूचियां पूर्णतः अस्थायी और प्योरली प्रोविजनल है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, जिसमें लगभग आपके 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया गया है। यानी कि इसके बाद एक लेटर जारी किया जाएगा जिसमें आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जयपुर में आपके किए जाएंगे। वहाँ पे आपको जाना रहेगा सभी आपके ओरिजिनल दस्तावेज़ लेकर, जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय, आपने जो आवेदन करते समय जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर ओरिजिनल लेके जाने रहेंगे। उसके लिए आपका जो है पात्रता जाँच हेतु आपका वरीयता के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। और बाकी हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के नियमानुसार जो है सभी कैंडिडेट का जो है रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स, विषयवार, उन सभी जो है उनके अकॉर्डिंग इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। नॉन टी एस पी गैर अनुसूचित क्षेत्र के रोल नंबर है, ऐसा हो सकता है कि आपके रोल नंबर टी एस पी और नॉन टी एस पी में दोनों में हो, ऐसा हो सकता है, और ऐसा केवल उन कैंडिडेट के साथ होगा जो टीएसपी वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने टीएसपी में रहते हुए भी नॉन टीएसपी में भी आवेदन किया है। और अगर उनका कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पे फाइट हो रहा है तो आपके जो रोल नंबर है वो नॉन टीएसपी में भी हो सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमारे जो रोल नंबर है टीएसपी में भी आ गए और नॉन टीएसपी में भी आ गए, ऐसा कैसे हुआ। तो टीएसपी में जो है केवल उन्हीं के साथ ऐसा हो सकता है, जो नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट है उनका टीएसपी में मार्क्स या आपका रोल नंबर नहीं होगा। नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है, कट ऑफ की हम बात करें तो आप देख पाएंगे जैसे जनरल में 211 कट ऑफ रहा है, और एनएम में ये बहुत ही कम रहा है, इसका 50% से भी कम जो है रहा है, 211 जनरल के लिए रहा है, फीमेल के लिए 184 रहा है, और वीडो के लिए एक कट ऑफ रहा है 109 इसका डाइवोर्स के लिए, और एक्स कैंडिडेट के लिए कोई भी जो है कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुए। इसी प्रकार से जनरल ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी का आप लोग कट ऑफ यहाँ से आप देख लें। डॉक्यूमेंट जो है आपको ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। बाकी आप लोग आरएसएमएस की वेबसाइट पर आप इसे
डाउनलोड कर पाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र के रोल नंबर जो है उनकी लिस्ट यहाँ है, यानी कि TSP कैंडिडेट जो भी हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। TSP वाले कैंडिडेट दोनों जगह आपके रोल नंबर हो सकते हैं। जनरल की जो है 180 मेरिट रही है यहाँ पे, और फीमेल की 162 है, 29 विडो और डाइवोर्सी के लिए 87 रहा है। SC कैंडिडेट का 168 है और फीमेल में 150 है। ST के लिए 141 और फीमेल के लिए 129 है। यहाँ पे बाकी अदर कैटेगरी नहीं होता है, जनरल ही यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो होता है उसी में सभी कैटेगरी होती है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे सर OBC WS सर MBC वो सब कहाँ गायब हो गए, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। हाँ, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, NM में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, आप सीरीज़ देख ले आपका कौन सा सीरीज़ था उसके अकॉर्डिंगली 100 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन विलोपित किए गए हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प में गोला नहीं भरा है, उनको भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे लगभग 1476 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के वरीयता के आधार पर सूची बनाते समय अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी वरीयता सूची में शामिल किया है, जिसमें इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों जगह हो सकते हैं। तो दोनों जगह आपके रोल नंबर हो सकते हैं, आप लोग एक बार देख लें। केवल TSP वाले कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। बाकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसका नंबर आया है, उस जिसका नहीं आया है वो आप लोग मेहनत करें और कोई भी किसी भी प्रकार का जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।